हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। स्वागत है आपका जेएसएससी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जेएसएससी के द्वारा स्टेनो और एलडीसी का जो वैकेंसी आया है, जिसमें कि टोटल 986 पद के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, उसमें हम लोग पोस्ट प्रिफ्रेंस क्या डालें। टोटल 10 पोस्ट इसमें बताया गया है, उस 10 पोस्ट का हम लोग ऑर्डर क्या रखें फॉर्म को अप्लाई करते वक्त, उसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर एक वीडियो बना दें, क्योंकि हमको पोस्ट के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि किस पोस्ट को हमें पहले रखना है और किस पोस्ट को बाद में रखना है। तो इसकी चर्चा आज हम लोग विस्तार से करेंगे और उसके बाद फिर आप खुद ही यह डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा पोस्ट पहले रखना है और कौन सी पोस्ट को बाद में रखना है। साथ में अगर उसके बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मैं एक पोस्ट प्रिफ्रेंस भी आपको दे दूंगा कि हाँ, 1 से लेकर 10 के पोस्ट को आप इस तरह से सजा के रख सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग सैलरी की बात करेंगे कि आपको किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी मिलेगा और अलग अलग पोस्ट का जॉब प्रोफाइल क्या है। तो इन सभी बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो भी जानकारी अभी तक अलग अलग सोर्सों से या अलग अलग वीडियो को देख कर इकट्ठा की होगी, आज के वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि आपके द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी वो अधूरी ही थी। ठीक है, तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं इसकी। इस वैकेंसी में जो टोटल पोस्ट आए हैं उसको हम लोग 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला है स्टेनोग्राफर, जिसको हम लोग आशुलिपिक या फिर प्राइवेट असिस्टेंट निजी सहायक कहते हैं, और दूसरा है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको हम लोग निम्न वर्गीय लिपिक कहते हैं। पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर टोटल 986 पोस्ट के लिए आया है और टोटल 10 अलग अलग पोस्ट हमें यहाँ पर दिख रहे हैं नोटिफिकेशन में। तो हाँ बिल्कुल, 10 अलग अलग पोस्ट दिख रहे होंगे। एक जो है स्टेनोग्राफर के लिए दिख रहा होगा और दूसरा जो 9 पोस्ट है वो एलडीसी के लिए दिख रहा होगा। पर यह एलडीसी का जो पोस्ट है ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में एलडीसी का जो है यह पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, तो आपको जो पोस्ट प्रिफ्रेंस में एलडीसी का प्रीफर नहीं करना है कि हाँ एलडीसी को आपको अरेंज करना है। बेसिकली आपको यह बताना है कि आपको एलडीसी का जो जॉब है वह किस डिपार्टमेंट में चाहिए। आपको एलडीसी का जॉब जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में चाहिए, परिवहन विभाग में चाहिए, या फिर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में चाहिए, या फिर किस डिपार्टमेंट में आपको एलडीसी का जॉब चाहिए, आपको वह डिसाइड करना है। अगर एक बार आप जान लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट का क्या क्या काम है और आपको क्या क्या काम करना होगा, तो आप बहुत ही आसानी से इस पोस्ट प्रिफरेंस को डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक डिफरेंस पहले जान लेते हैं कि ये स्टेनोग्राफर में और एलडीसी में क्या डिफरेंस है। स्टेनोग्राफर के लिए जो प्री रिक्विजिट है कि आपको क्या होना चाहिए, स्टेनोग्राफर के लिए आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है तो ही आप इस स्टेनोग्राफर के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। इसका काम बेसिकली क्या होता है कि यह किसी न किसी ऑफिसर के साथ अटैच होता है। ठीक है, किसी न किसी ऑफिसर के साथ संलग्न होता है। किसी ऑफिसर को कोई लेटर अगर ड्राफ्ट करना हो, कोई लेटर बनाना हो, तो वह अपने स्टेनो को बुलाता है, अपने प्राइवेट असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि मैं ये चीज़ कहते जाता हूँ, आप अपने कॉपी में नोट करते चले जाएं और फिर हमें इसको टाइप करके लाके दें। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर को शॉर्ट हैंड आता होगा तो बहुत ही आसानी से जो है वह कॉपी में ऑफिसर के द्वारा कही गई बात को जल्दी से लिख लेगा और टाइप करके लाके ऑफिसर को दे देगा। तो इस तरह से स्टेनो जो होता है ऑफिसर को उसके काम को करने में मदद करता है। साथ में अगर आपको उस ऑफिसर से मिलना है तो आपको इस प्राइवेट असिस्टेंट के थ्रू जाना होगा, डायरेक्ट आप ऑफिसर से नहीं मिल सकते हैं। तो काफ़ी अहम रोल होता है इस स्टेनो का या फिर प्राइवेट असिस्टेंट का उस ऑफिस में। अगर आप किसी ऑफिस के स्ट्रक्चर को लेते हैं कि मान लीजिए कि एक कोई स्टाफ है जो कि सबसे निचले पायदान पे है उस ऑफिस में, वह किसी काम को करके बी के पास भेजता है, बी फिर इस काम को सी के पास भेजता है और फाइनली डी जो होता है ये फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी है जो कि इस काम को अप्रूव कर देगा, हाँ ये काम होना है। तो आप मान सकते हैं कि ये जो ए है ये एलडीसी है। ठीक है, जो कि किसी काम को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है, और यह ए इस काम को करके बी के पास भेजता है कि हाँ बी महोदय इस काम में अगर कुछ उन्हें जोड़ना हो या कुछ उनको लगता हो कि एडिशन करना हो तो बी महोदय करेंगे। बी कोई ऑफिसर है, उनको ऐसा लगता है कि ए के द्वारा जो ये लेटर ड्राफ्ट किया गया है, कोई एक लेटर ड्राफ्ट किया गया है, इसमें कोई चेंजेस होना है, कोई तब्दीली होना है, तो वह क्या करेंगे कि उनके साथ जो स्टेनो अटैच है, मान लीजिए कि यह एक्स कोई स्टेनो है जो कि बी ऑफिसर के साथ अटैच है, इसको ये बुलाएंगे और कहेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ इसको तो अपने कॉपी में नोट करते जाओ और मुझे इसको टाइप करके ला के दो।
तो इस तरह से एक्स क्या करेगा, इस बी के द्वारा कही गई बातों को अपने कॉपी में लिख लेगा, क्योंकि उसे शॉर्ट हैंड आता है तो बहुत ही आसानी से वो लिख सकता है, और टाइप करके लाके बी को दे देगा। बी फिर इस फाइल को आगे बढ़ा देगा और फिर अंतिम में जहाँ भी इसको फाइल को जाना हो, जिस भी फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी पर जाना हो, वह अथॉरिटी जो होता है इसको अप्रूव कर देगा। तो इस तरह से जो भी काम का प्रस्ताव ए के द्वारा लाया गया था वह अप्रूव हो जाता है। तो इस तरह से एलडीसी जो होता है इस पूरे चैनल का हिस्सा होता है और इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है कि हाँ, जो भी डिसीजन लेना हो इस ऑफिस के द्वारा, कोई सड़क निर्माण का काम हो अगर आप इस तरह के ऑफिस में हैं, या फिर कोई टैक्सेस से रिलेटेड काम हो, तो इसने जो प्रस्ताव भेजा था वह एक तरह से वह डिसाइड होके उस पर जो भी डिसीजन होता है, तो वह एक तरह से ए का भी अहम योगदान होता है इस काम को करवाने में। साथ में ए का काम फाइल को व्यवस्थित ढंग से रखना, काम को कैटेगराइज करना, तो बहुत ही जो निचले पायदान का जो काम होता है, एक क्लरिकल जो काम होता है, बहुत ही अहम रोल होता है इसका उस ऑफिस में। साथ में स्टेनो का रोल भी आपने जान लिया कि स्टेनो बी किसी ऑफिसर के साथ अटैच होता है, तो यह उसके काम को करने में मदद करता है। साथ में इस ऑफिसर से अगर आपको मिलना हो तो आपको एक्स के थ्रू जाना होगा, तो एक्स का भी एक अहम योगदान होता है, अहम रोल होता है उस ऑफिस में, ठीक है। तो इस तरह से मोटा मोटा अंतर आप समझ गए होंगे कि स्टेनो का क्या काम होता है और एलडीसी का क्या काम होता है। अब सैलरी में देखें तो स्टेनो का सैलरी लेवल 4 का है और एलडीसी का सैलरी लेवल 2 का है। अगर आप 7th पे कमीशन का नाम सुने होंगे तो 7th पे कमीशन में जो सैलरी है उसको लेवल में बांट दिया गया है, लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक। जैसे जैसे लेवल बढ़ते चले आता है सैलरी बढ़ती चली जाती है, तो लेवल 4 का जो सैलरी है या लेवल 2 के सैलरी से ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें कि कितनी सैलरी मिलेगी, तो जो बेसिक है इसमें आपको स्टेनोग्राफर में स्टेनो में यह 25,500 रहेगा। अलग अलग जगह के हिसाब से आपको एचआरए मिलता है, एचआरए मतलब हो गया मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। किसी शहर में 9% है, किसी शहर में 18% है, किसी शहर में 27% है। बड़े शहरों में ज़्यादा रहता है और छोटे शहरों में एचआरए कम होता है। तो जिस भी शहर में आपका पोस्टिंग होता है आपको उसके हिसाब से जो है एचआरए, जो भी एचआरए वहाँ का होगा उस शहर का, आपको उसके हिसाब से मिलेगा। साथ में फिलहाल अभी जो डीए है, डियरनेस अलायंस, महंगाई भत्ता, वह 31% है झारखंड में। 31% 9% 18% बेसिकली इस बेसिक पे होता है। 25,500 का अगर एचआरए 9% है तो 25,500 का 9% हो गया। डीए अभी फिलहाल 31% है, वैसे तो सेंट्रल में 34% हो चुका है पर झारखंड में 31% है अभी है, ठीक है। तो 25,500 का 31% जो भी अमाउंट हुआ यहाँ पर आपको लिख देना है। साथ में टीए हो गया आपका ट्रेवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता, वो जो भी होगा उस जगह का वो आपको मिल जाएगा। और फिर अदर कोई अलाउंसेस मिलता होगा तो वो जुड़कर ये 36,000 से लेकर 39,000 तक आपको इसके बीच में सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी बनेगी लेवल 4 के जॉब में, ठीक है। 36,000 से लेकर 39,000 तक, 39,000 तक तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। सैलरी के मामले में नहीं कह सकते हैं कि कम है। लेवल 4 के जॉब में अगर आपको 36,000 से 39,000 का आपको मिल रहा है सैलरी किसी शहर में, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। लेवल 2 में अगर देखें, जो कि एलडीसी का पोस्ट है उसको लेवल 2 में रखा गया है, इसका बेसिक जो है 19,900 है। एचआरए और डी और टीए मैंने बताई है अभी कि जिस भी शहर में आपकी पोस्टिंग होगी उसके हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा। डीए का जो भी रेट होगा, क्योंकि अभी तो वैकेंसी निकली है, अभी 31% डीए है, हो सकता है जब तक आपका ज्वाइनिंग हो तो यह बढ़ के 50% तक भी हो जाए। तो जो भी डीए होगा वो ट्रेवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता जो भी मिलता होगा वो, और फिर अदर अलाउंस कुछ मिलता होगा, तो ये सभी जोड़कर अगर देखेंगे तो 26,000 से लेकर 29,000 तक जो है आपको इसकी सैलरी आएगी एलडीसी की, 26 से लेकर 29 तक, ठीक है। तो इसके बीच में सैलरी रहेगा। तो सैलरी के मामले में देखें तो ठीक है, बुरा सैलरी नहीं है, ठीक है। अब स्टेनो के लिए क्या चाहिए और एलडीसी के लिए क्या चाहिए, तो रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो आपको स्टेनोग्राफर के लिए अगर सेलेक्ट होना है तो आपको हिंदी शॉर्ट हैंड जो है, हिंदी शॉर्ट हैंड या 80 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, 80 शब्द एक मिनट में। अगर 80 शब्द एक मिनट में आप लिख पा रहे हैं तो आप स्टेनोग्राफर के लिए बहुत ही आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। साथ में टाइपिंग जो है ये आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, मीन्स एक मिनट में 30 वर्ड। और इसमें एससी एसटी को छूट दिया गया है कि वह टाइपिंग के लिए 25 वर्ड भी अगर एक मिनट में टाइप कर पा रहे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
एलिजिबल नहीं मीन्स आप सेलेक्ट हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, बेसिकली इसका एग्जाम होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ना भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर जब भी एग्जाम होगा तो आपका इतना स्पीड नहीं होगा तो आप सेलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो 10+2 है, अगर आपके पास 10+2 है तो आप अप्लाई कर दीजिए। और जो भी अलग अलग इसकी क्राइटेरिया है डेट ऑफ बर्थ का जो है, उसके उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पर पोस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि आपको पोस्ट प्रिफ्रेंस को डालने में मदद करेगा। तो ये रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल कर पा रहे हैं, मान लीजिए कि अभी आपको शॉर्ट हैंड नहीं आ रहा हो पर आपको ऐसा लगता हो कि जब तक एग्जाम हो तब तक हम लोग शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे, तो बहुत ही आसानी से आप इस पोस्ट के लिए भी इसको भी आप प्रिफ्रेंस में ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर हम लोग स्टेनो को ऊपर डाल दिए और हम लोग स्टेनो में ये शॉर्ट हैंड नहीं कर पाए तब तो फिर हम दूसरे पोस्ट के लिए कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिलेक्शन कैसे होता है और आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से डालना चाहिए यह बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, और जो भी आपका कन्फ्यूजन है जो भी डाउट है वो बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। ये तो हो गया स्टेनो का रिक्वायरमेंट। अगर एलडीसी के लिए देखें तो आपको 25 वर्ड पर मिनट का जो है आपको टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। अगर 1 मिनट में 25 वर्ड आप टाइप कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप एलडीसी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जाम है उस एग्जाम को तो करना ही है, ये जो आपका अलग से जो रिक्वायरमेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मीन्स 25 वर्ड पर मिनट या फिर 10 मिनट में 250 वर्ड, और मैक्सिमम एरर जो है ये 2% तक जो है वो अलाउ है। अगर 250 वर्ड में आप 5 वर्ड गलत करते हैं तो कोई बात नहीं, पर 5 वर्ड से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ही 5 वर्ड से ज़्यादा गलत होगा आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमम एरर 2% तक इसमें दिया गया है। अब हम लोग लोअर डिवीजन क्लर्क की जो बात कर रहे थे कि अलग अलग डिपार्टमेंट में इसका वैकेंसी निकला है, तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है पहले एक बार वो देख लेते हैं। पहला है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, नगर विकास एवं आवास विभाग। दूसरा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग। तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, खान और भूतत्व विभाग। चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग। पाँचवा है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्शियल टैक्सेस, वाणिज्य कर विभाग। और छठा है डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। तो इस तरह से 6 डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई है। पर आपको ये अब डाउट हो रहा होगा कि सर यहाँ पर तो टोटल 10 पोस्ट है, अगर स्टेनो का एक पोस्ट हम हटा भी देते हैं तो 9 पोस्ट बचता है, पर यहाँ पर तो आप 6 डिपार्टमेंट का ही नाम बता रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? तो हाँ बिल्कुल, 6 डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई है। इस 6 डिपार्टमेंट के किसी एक डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा जो है कैडर या फिर विंग में ये वैकेंसी आई। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, नगर विकास एवं आवास विभाग के 2 कैडर के लिए ये वैकेंसी आई है। वह कौन कौन सा कैडर है? लेखा संवर्ग और ऑफिस मैनेजमेंट संवर्ग, मीन्स अकाउंट कैडर और ऑफिस मैनेजमेंट कैडर। हम लोग आगे भी इसकी चर्चा करेंगे कि लेखा संवर्ग की कौन सी वैकेंसी है, ऑफिस मैनेजमेंट समर की या ऑफिस मैनेजमेंट कैडर की कौन सी वैकेंसी है। और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग। इसके 3 अलग अलग विंग की वैकेंसी आई है। पहला है प्रशिक्षण पक्ष, दूसरा है नियोजन पक्ष और तीसरा है ESI ऑफिस या फिर ESI का जो हॉस्पिटल होता है उसके लिए। ये 3 अलग अलग जो विंग है इसके लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो इसमें से कौन सा प्रिफ्रेंस आप ऊपर डालें कौन सा नीचे डालें वो अभी हम लोग भी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग एक एक डिपार्टमेंट को लेकर चलते हैं जिससे कि आपको काफ़ी आसानी हो उस पोस्ट को जानने में कि आपका पोस्ट का काम क्या रहेगा। आप जैसे ही काम जान जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से फिर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये काम जो है अच्छा है, इस काम को हमें करने में ज़्यादा मन लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, तो आप उसको प्रिफ्रेंस डाल सकते हैं। तो चलिए एक एक डिपार्टमेंट को हम लोग थोड़ा अब डिटेल से समझते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है इसके अंतर्गत टोटल 3 पोस्ट आया है इस वैकेंसी में। पहला है स्टेनोग्राफर, निजी सहायक, ये जो इसकी जो वैकेंसी आई है इसी विभाग के अंतर्गत आई है। ठीक है, मतलब अगर आप स्टेनो बनते हैं तो आपको इस नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत ही किसी अधिकारी के अंदर आपको काम करना होगा। ठीक है, दूसरा है इसमें लेखा संवर्ग, अकाउंट्स कैडर। आप जो पोस्ट कोड 1 देख रहे हैं
ये जो मैंने PC1 या फिर PC2 या PC3 लिखा है, ये मैंने पोस्ट कोड लिख दिया जिससे कि आप जान पाए कि मैं किस पोस्ट का बता रहा हूँ। तो पहला जो स्टेनोग्राफर है ये पोस्ट कोड 3 है, आपका नोटिफिकेशन में जो पोस्ट कोड सीरियल नंबर 3 पे है वो आपका स्टेनोग्राफर या निजी सहायक का है। ये जो पोस्ट कोड 1 है जिसमें कि 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग होगा, आप पढ़ते हो तो लगता होगा यार पोस्ट कोड 1 और पोस्ट कोड 2 तो हमें सेम लग रहा है, पर सेम नहीं है। पोस्ट कोड 1 में देखेंगे तो 3 अलग अलग नाम देखेंगे, कार्यालय सहायक, सह लेखापाल, लेखा लिपिक और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर। ये जो तीनों पोस्ट हैं ये तीनों पोस्ट अकाउंट्स कैडर का है, लेखा संवर्ग का है। आप लोअर डिविजनल क्लर्क रहेंगे पर अकाउंट्स कैडर में रहेंगे, ठीक है। और जो दूसरा पोस्ट कोड 2 है वह है ऑफिस मैनेजमेंट कैडर का, ठीक है, जिसमें कि आप देखते होंगे नाम लिखा हुआ है कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, ये ऑफिस मैनेजमेंट कैडर है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? अकाउंट्स कैडर में बेसिकली आप उस ऑफिस का जो अकाउंट्स है उसको मैनेज करेंगे, उसको देखेंगे। बेसिकली इसका पोस्टिंग जो होगा इस LDC का, चाहे वो अकाउंट्स कैडर का हो या फिर वो ऑफिस मैनेजमेंट कैडर का हो या फिर चाहे स्टेनोग्राफर का ही ले लें, इन तीनों का जो पोस्टिंग होगा वो किसी न किसी म्यूनिसिपैलिटी में होगा, नगर निगम में हो सकता है या फिर नगर परिषद में हो सकता है, ठीक है। जैसे कि रांची नगर निगम है, धनबाद नगर निगम है, देवघर नगर निगम है, उस तरह दुमका नगर परिषद है। तो इस तरह से किसी न किसी म्यूनिसिपैलिटी में ही आपका पोस्टिंग होगा। ये जितने भी वैकेंसी आई है ये सभी क्षेत्रीय कार्यालय की है, ये कोई भी सेक्रेटेरिएट जॉब नहीं है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट में LDC नाम का कोई पोस्ट है ही नहीं। LDC के नाम को वहां पर चेंज करके JSA कर दिया गया है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, कनीय सचिवालय सहायक, और उसी तरह से वरीय सचिवालय सहायक जिसको हम लोग SSA कहते हैं और फील्ड में उसको हम लोग UDC कहते हैं, ठीक है। तो ये LDC का वैकेंसी बेसिकली आपका यह फील्ड लेवल का जो भी ऑफिस है वहाँ के लिए है, सेक्रेटेरिएट के लिए नहीं है, ठीक है। तो आपका किसी न किसी म्यूनिसिपैलिटी में, नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत ही म्यूनिसिपैलिटी आता है, उसी म्यूनिसिपैलिटी में ही चाहे नगर निगम हो जाए या नगर परिषद हो जाए वहाँ पर आपका ये पोस्टिंग होगा। और उसमें भी अगर आप पोस्ट कोड 1 मिलता है तो आप अकाउंट्स कैडर को देखेंगे, मीन्स उस म्यूनिसिपैलिटी में जो अकाउंट्स रिलेटेड जो काम होता है, जैसे कि क्या क्या काम होता है एक म्यूनिसिपैलिटी में वो देख लेते हैं। अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, मीन्स अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड हो गया, या फिर रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक लैंड हो गया, इंक्रोचमेंट से रिलेटेड कोई काम होता है, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होता है, रोड्स इंक्लूडिंग फुटपाथ का जो है उसका निर्माण का काम हुआ, ठीक है, वाटर सप्लाई का काम हुआ, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन और फायर सर्विसेज काम हुआ, या फिर अदर और जो अन्य काम होते हैं म्यूनिसिपलिटी के, इन सभी कामों में आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है। और अगर आप अकाउंट्स कैडर में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपके इसके अकाउंट के साथ आप डील करेंगे तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको। और अगर आपका ऑफिस मैनेजमेंट कैडर में हुआ है, मीन्स पोस्ट कोड 2 को आपने सेलेक्ट किया था पहले और आपको ये मिला है, तो ऑफिस मैनेज करने में जो भी इन्वॉल्वमेंट आपका होना चाहिए वह इस पोस्ट के लिए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मीन्स काम तो यही सब रहेगा जो 1 से लेकर 7 तक मैंने दिखाया, यही काम रहेगा। इस काम में अकाउंट से रिलेटेड काम ये करेगा और इसको मैनेज करने से रिलेटेड, मीन्स व्यवस्थित ढंग से कंप्यूटराइज करने में, कैटेगराइज करने में, ठीक है, डिजिटलाइज करने में, ये सभी काम जो होता है ये ऑफिस मैनेजमेंट कैडर का होगा। अब आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इसको पहले रखना चाहिए या फिर इसको पहले रखना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर स्कोप ज़्यादा है, स्कोप मीन्स एक्सपोजर का, लोगों से मिलने का, इस तरह से आप खुद ही अब डिसाइड कीजिए कि आपको पोस्ट कोड 1 को पहले रखना है कि पोस्ट कोड 2 को पहले रखना है, ठीक है। अब अगला जो है यह है परिवहन विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस अंडर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इसके अंतर्गत टोटल 104 पोस्ट आया है, ठीक है। और इसमें आपको किस तरह का काम करना होगा, किसी न किसी क्षेत्रीय कार्यालय, आप जो रीजनल ऑफिस देखते होंगे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का, उसमें आपका पोस्टिंग होगा। और आपका काम क्या क्या रहेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल से रिलेटेड काम आपको करना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने से रिलेटेड, परमिट इश्यू करने से रिलेटेड, मोटर व्हीकल टैक्स से रिलेटेड काम होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट जो इश्यू होता है उससे रिलेटेड काम आपको होगा, रोड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो निकलते हैं हर एक DTO ऑफिस से उससे रिलेटेड आपको काम होगा, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट यह आपका इश्यू करता है यू ऑफिस तो उससे रिलेटेड काम होगा, और कंडक्टर लाइसेंस रहता है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे काम रहते हैं, तो ये सभी काम जो है आपके थ्रू होंगे, ठीक है, एज ए LDC वहाँ पर आप इन सभी कामों को देखेंगे। तो इसमें आपको पब्लिक डीलिंग काफ़ी ज़्यादा है,
हमेशा पब्लिक का जो है काम रहता है DTO ऑफिस से, चाहे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल का हो, ड्राइविंग लाइसेंस का हो या फिर परमिट इश्यू का हो, तो काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा आपको यहाँ पर। काफ़ी सारे स्कोप्स हैं इसमें, आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि पब्लिक डीलिंग है तो आपको काम करने में भी काफ़ी मन लगेगा। और यहाँ तक कि यह देखा जाता है कि है तो यह लेवल 2 का जॉब, पर काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट हैं लेवल 6 और 7 के जिसको कि लोग, जिसकी की तुलना में इस पोस्ट को जो है लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेवल 2 का सैलरी कम है फिर भी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इन सभी का जो है रीज़न जो है वो बहुत ही स्पष्ट है कि आपको डे टू डे बेसिस पे जो है लोगों से मिलना रहता है, काफ़ी सारे लोगों का काम आपके थ्रू ही होता है, तो काफ़ी सारे लोगों को जो है आपकी ज़रूरत होती है, तो इन सभी चीज़ों से काफ़ी एक्सपोजर जो है आपको मिलता है, तो इसको आप प्रेफरेंस में ऊपर डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो है ये पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा है डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी में, खान और भूतत्व विभाग में। इसमें 2 अलग अलग डायरेक्टरेट होते हैं खान और भूतत्व विभाग में, एक है खान निदेशालय और दूसरा है डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी, ठीक है। आपकी जो वैकेंसी आई है इस खान निदेशालय के लिए आई है, डायरेक्टरेट ऑफ माइंस के लिए आई है, ठीक है, जो कि पोस्ट कोड 10 है और टोटल पोस्ट है इसमें 45, ठीक है। आपको खान निदेशालय के अंतर्गत ही आपको पोस्टिंग मिलेगा। क्या क्या काम रहेगा, तो खनिजों के पूर्वेक्षण लाइसेंस को इशू करने का काम जो इस ऑफिस का रहता है, जिसको हम लोग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कहते हैं, या फिर पुनर्मूल्यांकन परमिट, जो परमिट होता है किसी भी खान का जो खुदाई होता है या फिर किसी मिनरल्स का जो खुदाई चलते रहता है, खनन होते रहता है, तो इसका जो है पुनर्मूल्यांकन परमिट होता है। खनन पट्टों का जो अनुदान होता है इसका होता है, वैध खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सभी ये ऑफिस जो है वो चेक करता है। बेसिकली जो DMO ऑफिस होता है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर का ऑफिस, तो उसमें आपका ये पोस्टिंग मिलेगा, LDC का जॉब मिलेगा। काफ़ी अब ग्राउंड लेवल का काम जो है आपके द्वारा जो है वो किया जाएगा, एज ए LDC आप जितना भी खनन उस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा होगा वो आपके नॉलेज में रहेगा। तो इसमें भी काफ़ी जो है अच्छा स्कोप है, काफ़ी अच्छा जॉब है, आपको खुद मज़ा आएगा करने में। अब और वैसे भी अभी जो है झारखंड खनन के मामले में काफ़ी चर्चा में है, तो अगर आपको चर्चा में रहना पसंद है तो वैसे भी आप इसको जो है आप प्रिफ्रेंस में ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका जो हेडक्वार्टर है इस डायरेक्टरेट ऑफ माइंस का, वह रांची है, और इसके अलग अलग सर्कल हैं जैसे कि रांची सर्कल, हजारीबाग सर्कल, धनबाद सर्कल, दुमका, कोल्हान और पलामू सर्कल। तो किसी एक सर्कल में आपको पोस्टिंग मिल सकता है या फिर हो सकता है कि आपको हेडक्वार्टर में ही पोस्टिंग आपका किया जाए। और अगर आपको हेडक्वार्टर में पोस्टिंग नहीं मिलता है तो डेपुटेशन बेसिस पे प्रतिनिधि के आधार पर जो है आप रांची जा सकते हैं, या फिर प्रतिनिधि के आधार पर आप सेक्रेटेरिएट भी जा सकते हैं, वहाँ भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इतने जगह पर आपको इसमें काम करने का मौका मिलेगा। तो इसमें देख लीजिए कि इस 6 जगह में आपका कोई प्रिफरेबल जगह है तो आप इसको ऊपर की तरफ डाल सकते हैं। और साथ में अलग अलग क्या क्या काम के इसके क्या क्या काम यहाँ होता है, किस किस तरह से कामों को आपको देखना होगा, उन सभी पर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हुए आप इसको प्रिफ्रेंस में रख सकते हैं। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। इस डिपार्टमेंट में अगर आप देखें तो 3 अलग अलग विंग के लिए जो है वैकेंसी आई है, जो मैंने बताया। एक पहला है ट्रेनिंग विंग, प्रशिक्षण पर, जो कि पोस्ट कोड 5 है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट विंग, जो कि पोस्ट कोड 7 है, जिसको हम लोग नियोजन पक्ष कहते हैं। और तीसरा है ESI ऑफिस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ऑफिस, या फिर इसके अंतर्गत जो हॉस्पिटल होते हैं उसके लिए, जो कि पोस्ट कोड 8 है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 36, 144 और 77, मीन्स इसमें 36 है, इसमें 144 है और इसमें 77 है। पहले देख लेते हैं कि इस तीनों का क्या क्या काम है। ट्रेनिंग विंग में अगर आपको मिलता है जॉब तो बेसिकली जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसके अंदर है, जो अलग अलग ITI इंस्टीट्यूट है, अभी फिलहाल शायद 28 गवर्नमेंट ITI इंस्टीट्यूट है, हो सकता है कि कुछ चेंजेस हुए हों, तो इस इंस्टीट्यूट में हो सकता है आपका पदस्थापन हो, यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिले। तो प्रशिक्षण से रिलेटेड, मीन्स ITI में क्या होता है कि अलग अलग स्किल से रिलेटेड जो है प्रशिक्षण दिया जाता है लोगों को, तो इस काम में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एज ए LDC उस फाइल को प्रोसेस करना, कौन सा जो है ट्रेनिंग देना है उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगे उसको मूव करना, तो इन सभी कामों में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट विंग। एम्प्लॉयमेंट विंग में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका पदस्थापन होगा, पोस्टिंग होगा। अभी फिलहाल 47 एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हैं झारखंड में, हो सकता है कि यह नंबर 1-2 ऊपर नीचे हो, पर 47 एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अभी जो है फिलहाल रन कर रहे हैं।
इसके अंतर्गत इस इम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, आपने नाम भी सुना होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में कि इम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, वहाँ पर जाके अपना सर्टिफिकेट दे दें तो जब भी कोई ऐसा जॉब आएगा तो आपको बुलाया जाएगा। पर अभी कभी ऐसा होता नहीं है, मेरे जानकारी में तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी इम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो है मेरे किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने दिया और उसको बुलावा आया हो। तो बस एक खानापूर्ति होता है, पर हाँ धीरे धीरे काम हो रहा है, जैसे कि रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है, भर्ती शिविर का आयोजन किया जाता है, या फिर व्यावसायिक मार्गदर्शन और करियर परामर्श होता है, ये सभी इस ऑफिस के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर इस ऑफिस के आप एक पार्ट रहेंगे तो इन सभी कामों में, चाहे रोजगार मेला हो, चाहे भर्ती शिविर हो, या फिर करियर परामर्श रिलेटेड हो, इन सभी में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इसके अलावा प्रतिनियुक्ति के आधार पर, डिप्यूटेशन के आधार पर आप इसके डिपार्टमेंट में भी आपको बुलाया जा सकता है या आप जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा है ESI ऑफिस या फिर ESI के अंतर्गत जो हॉस्पिटल है उसमें, तो जितने भी ESI ऑफिस हैं या फिर ESI के हॉस्पिटल हैं जो कि इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत हैं, उन सभी में आपको इसका पोस्टिंग मिलेगा, ठीक है। PC 8 को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, पोस्ट कोड 8 को, तो आपको इस ऑफिस में या इसके हॉस्पिटल में आपको मिलेगा। आपने ESI हॉस्पिटल का नाम सुना होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ESI का हॉस्पिटल रहता है, तो इस हॉस्पिटल में एज ए क्लरिकल जॉब जो होता है, या फिर इस ESI ऑफिस में जो क्लरिकल जॉब होता है उसके लिए आपका जो है पोस्टिंग होगा। तो यहाँ भी काफ़ी पब्लिक डीलिंग का जो है आपको अवसर मिलता है, पब्लिक एक्सपोजर काफ़ी रहता है, तो ये ESI ऑफिस का जो जॉब है ये भी सही होता है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के अंदर जो 3 अलग अलग विंग थे, इसमें जो अलग अलग पोस्ट कोड 578 था, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टैक्स जो कि पोस्ट कोड 6 है, इसमें किस तरह का काम होता है। अगर इसमें अगर आपको LDC का जॉब मिलता है तो इसमें आपको किस तरह का काम करना होगा। टोटल 97 पोस्ट है और इसमें भी आपको किसी न किसी क्षेत्रीय कार्यालय में ही आपको जॉब मिलेगा, फील्ड ऑफिस में मिलेगा, ठीक है। और बेसिकली इसमें आपको वैल्यू एडेड टैक्स जो ये ऑफिस काम करेगा, बेसिकली ये VAT से रिलेटेड टैक्स का कलेक्शन हो गया, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गया, होटल लग्जरी टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, या फिर एडवर्टिजमेंट टैक्स एंड प्रोफेशन टैक्स, ये सभी टैक्स से रिलेटेड का काम इस ऑफिस के द्वारा किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इसके ऑफिस में अगर आपका जॉब लगता है तो ये LDC इन सभी कामों से आप संलग्न रहेंगे, ठीक है। ये सभी काम जो है वो आपके द्वारा इनिशियल लेवल पर किया जाएगा, तो पब्लिक जो है डायरेक्टली जो है आपसे जो है वो कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, कि हाँ मेरा सर ये काम नहीं हो पाया है तो ये कैसे होगा। तो इनिशियल लेवल ऑफ चैनल का जो इनिशियल लेवल होता है वो आप ही रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले पब्लिक को ऑफिस से मिलने का जो उनको अवसर या मौका मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा जो है आपका रिपुटेशन रहता है इस ऑफिस में, और पब्लिक भी आपको काफ़ी जानते हैं उस जिस ऑफिस में आप रहते हैं, तो जिस भी जगह आपको पोस्टिंग हुआ रहता है तो उस जगह के लोग आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जानेंगे, तो काफ़ी अच्छा जो है स्कोप इस ऑफिस में भी रहता है, ठीक है। जिस तरह से परिवहन विभाग में मैंने बताया, इस तरह से उसी तरह से वाणिज्य कर विभाग में भी आपको एक अच्छा मज़ा आएगा काम करने में, ठीक है। तो इस जॉब को भी लोग काफ़ी प्रीफर करते हैं, स्किल लेवल 2 का ही जॉब है, पर काफ़ी सारे लोग जो है लेवल 5-6 के जॉब को छोड़ छोड़ के जो लेवल 2 के इस जॉब को करना पसंद करते हैं। इसमें और देखें तो रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ डीलर्स, इसका भी काम इसमें होता है। आप रिसीट और स्क्रूटनी करते हैं रिटर्न्स का, असेसमेंट करते हैं, ऑडिट असेसमेंट करते हैं, उसके अलावा जो भी डिस्प्यूट होता है उसका जो है उसका समाधान करना वगैरह भी इस ऑफिस का काम होता है, टैक्स से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है। उसके बाद कुछ अगर कोई अगर टैक्स को अवॉइड कर रहा है तो उसको कैसे उसको रोका जाए, टैक्स इवेजन को कैसे रोका जाए, तो ये सभी चीज़ें जो है ये इस ऑफिस से होता है और आप इसके अहम हिस्से होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका इस ऑफिस में, आप एज ए LDC ही होते हैं पर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर का, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जो कि पोस्ट कोड 4 में है, ठीक है। इसमें टोटल 104 पोस्ट हैं। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या काम करना होता है, तो इसका काम जो होता है जितने भी स्कीम्स होते हैं, चाहे वो SC ST माइनॉरिटीज या फिर बैकवर्ड क्लासेस से हो, वह इस ऑफिस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जहाँ भी आपको पोस्टिंग मिलेगा, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में ही आपको पोस्टिंग मिलेगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं SC ST माइनॉरिटीज या बैकवर्ड क्लासेस को लेकर, उस सभी स्कीम के का जो प्रोसेस करना, वो आवंटन जो है वो सेंट्रल से आए या फिर राज्य से आए, उसको देखना, तो काफ़ी सारा जो है इसमें
पैसे का इन्वॉल्वमेंट रहता है स्कीम्स में, तो उन सभी कामों को आप देखते हैं। साथ में पब्लिक से भी काफ़ी आपका जो है इसमें डीलिंग रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस स्कीम से किसको फ़ायदा होता है, पब्लिक को फ़ायदा होता है। तो पब्लिक आपको, पब्लिक चाहेगा कि ये स्कीम जो है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से रन करे, इसमें आवंटन आए, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट हो जाता है ये। इसके अलावा जो अभी देख रहे होंगे झारखंड में कल्याण गुरुकुल हो या फिर कौशल कॉलेज हो, ये सभी भी जो है काफ़ी चर्चा में है। कल्याण गुरुकुल में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, और कौशल कॉलेज में ट्रेनिंग दिया जाता है SC ST इन लोगों को, ताकि वो जो है ट्रेनिंग पाके वह अपना जॉब ले सकें, अपने जीवन को ढंग से चला सकें। तो इस तरह से इन सभी कामों में आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है। जहाँ भी स्कीम से रिलेटेड काम हो, चाहे वो वेलफेयर स्कीम हो या फिर अलग अलग स्कीम जो है SC ST के लिए हो, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहता है आपको काम को देखने का, ठीक है, पब्लिक डीलिंग का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट यह भी है, ठीक है। तो इस तरह से जो टोटल हमने जो भी 6 डिपार्टमेंट था उसका काम हम लोगों ने देख लिया। अब प्रिफ्रेंस के आधार पर आप इसको खुद ही जान सकते हैं कि हमें प्रिफ्रेंस में क्या डालना चाहिए, ठीक है। और प्रिफ्रेंस में अगर आप डालते हैं, अगर आपको वह नहीं मिलता है, तो आगे हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरह से जो है पोस्ट का एलोकेशन होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको स्टेनो आता हो और बहुत ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगाते हो किसी और चीज़ में, आपको कुछ और तैयारी करना हो, कुछ और आपको आगे के लिए आप सोच रहे हो, तो आप स्टेनो अगर आपको आता हो या फिर आप सीख सकते हैं इतने दिनों में, तो आप बिल्कुल आप स्टेनो को जो है सबसे पहले रखिए। और उसके बाद आप परिवहन विभाग को दे सकते हैं या फिर वाणिज्य कर विभाग को प्रिफ्रेंस में दे सकते हैं। आपको जो भी रुचि के हिसाब से देख लीजिए कि आपको परिवहन विभाग का जॉब, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो है परिवहन विभाग भी जाने का मौका मिला होगा अपने डिस्ट्रिक्ट में, DDO ऑफिस में। और अगर आपको तो नहीं, या आप किसी संबंधी को, आपके फादर को या फिर आपके ब्रदर को देख लीजिए, जो भी आपके आपके घर में, अगर कभी वो कमर्शियल टैक्स ऑफिस गए होंगे तो उनसे भी उनका एक्सपीरियंस पूछ लीजिए, और फिर आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग या फिर ये वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसमें किसको आपको ऊपर रखना है, ठीक है। तीनों जगह LDC का है पोस्ट है, और तीनों का काम का लेकिन जो है करने का तरीका अलग अलग है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग अलग तरह का काम है, कमर्शियल में अलग है और वेलफेयर में अलग है। तो जो भी आपको काम सूट करता हो वो आप रख सकते हैं ऊपर, तीनों अच्छा है, ठीक है। उसके बाद माइंस एंड जियोलॉजी का भी आप ऊपर रख सकते हैं। वैसे भी झारखंड में मैंने कहा कि अभी यह चर्चा में ये विभाग बना हुआ है, तो चर्चा में आपको अगर रहना है तो इस डिपार्टमेंट को आप ऊपर रख सकते हैं। कोई भी चीज़ को मैं यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बता सकता, पर आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि जो मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ कि इसमें स्कोप ज़्यादा है, पब्लिक डीलिंग काफ़ी मौका मिलेगा, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो है काफ़ी अच्छा जो है अवसर रहता है यहाँ पर आपको काम करने का, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद आप इस प्रशिक्षण पक्ष, नियोजन पक्ष, ESI में जो है आप इसको ऊपर प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पब्लिक वगैरह डीलिंग का रहता है। नियोजन पक्ष में फिर भी रहता है इसके बाद, और सबसे लास्ट में आपको प्रशिक्षण पक्ष देना चाहिए। और इस लेखा संवर्ग और ऑफिस मैनेजमेंट संवर्ग में आप इसको पहले दे सकते हैं और इसको बाद में रख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से जो मैंने बताया इसके अनुसार अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैंने आपका एक पोस्ट प्रिफ्रेंस ऑर्डर जो है वो बना दिया है। अगर आप स्टेनो को पहले रखते हैं और चाहते हैं कि आपको स्टेनो ही मिले, तो इसको सबसे पहले रखिए और इसके बाद इस तरह से आप पोस्ट प्रिफ्रेंस को डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, स्टेनो मुझे पहले नहीं चाहिए, पहले तो मुझे परिवहन विभाग ही चाहिए, तो आप इस तरह से कुछ रख सकते हैं। 9 पोस्ट कोड 9 जो है वो परिवहन विभाग का है, ठीक है। उसके बाद 10 जो है ये माइंस का है, उसके बाद 6 जो है ये आपका कॉमर्शियल का है। तो मैंने पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पर सेट कर दिया है, आप नोटिफिकेशन को निकाल के देख लीजिए। तो ये दोनों प्रिफ्रेंस मुझे सही लगता है कि हाँ इस तरह से आपको रखना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप कोई किसी के मन में डाउट होता है कि सर मैंने 3 रख दिया पहले, पर 3 में तो सिर्फ 27 सीट ही है, और इसमें अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर मैं इस सब पोस्ट को तो मैंने बाद में रखा है, तो फिर तो मैं तो निकल जाऊंगा, फिर मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो बिल्कुल नहीं है, किस तरह से सिलेक्शन होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। अब इस पोस्ट प्रिफ्रेंस में अगर 10 को आप पीछे ले जाना चाहें तो वो भी ले जा सकते हैं, 4 को आप पहले लाना चाहें तो ये ले जा सकते हैं, ये आपके रुचि के हिसाब से है। पर हाँ, अगर आपको स्टेनो पसंद ज़्यादा नहीं है तो आप ये रख सकते हैं। अगर आपको स्टेनो लगता है कि हाँ मुझे स्टेनो चाहिए पहले और उसके बाद ही कोई दूसरा LDC का जॉब चाहिए, क्योंकि स्टेनो में वैसे भी सैलरी ज़्यादा है, तो आप इस पोस्ट प्रिफरेंस को जो है प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप कुछ मॉडिफाई कर लें, मैंने तो ये अपने हिसाब से देख कर जो है, मैंने जो मुझे सुटेबल लग रहा है वो मैंने आपको बताया है, आप कुछ चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है।
अब आपको पोस्ट का एलोकेशन कैसे होता है, पद का आवंटन कैसे होता है, पोस्ट कैसे अलॉट किया जाता है, इसको देखते हैं। टोटल 986 पोस्ट हैं और मान लेते हैं कि आपका फाइनल रैंक जो है वो 412 आया और आपका जो पोस्ट प्रिफ्रेंस था वो इस तरीके से था। ठीक है, सबसे पहले आपने पोस्ट नंबर 3 को दिया था, फिर 9 को दिया था, फिर 10 को दिया था। अगर 412 रैंक आया है आपका और आपने पोस्ट कोड 3 को पहले दिया है, पोस्ट कोड 3 मतलब हो गया स्टेनो। ठीक है, और इसमें टोटल 27 सीट है। अगर यह 27 सीट आपसे पहले जो 411 कैंडिडेट थे, अगर इस 411 कैंडिडेट के द्वारा पहले ही 27 पोस्ट को ले लिया गया है तो फिर आपको ये वाला पोस्ट जो है ये नहीं मिलेगा। फिर देखा जाएगा कि पोस्ट नंबर 9 जो आपने सेकंड प्रेफरेंस में डाला है जिसमें कि टोटल 104 वैकेंसी है, पोस्ट कोड 9 में टोटल, ये परिवहन विभाग का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, अगर इसमें 104 वैकेंसी है, क्या इस 104 वैकेंसी में एक भी वैकेंसी खाली है क्या? क्योंकि 412 आपका रैंक है, इसके पहले जो है 411 कैंडिडेट को अलॉट हो चुका होगा, तो 411 के बाद आपका 412 रैंक है, क्या 412 रैंक आते आते इस पोस्ट को 9 में जो आपका सेकंड प्रिफ्रेंस में इसमें जिसमें कि टोटल 104 सीट है, 104 वैकेंसी है, क्या इसमें एक भी पोस्ट खाली है क्या? अगर इसमें एक भी पोस्ट है तो वह आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि इसमें नहीं है, ये भी आपको नहीं मिल पाता है, तो ये भी आपको नहीं मिल जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रेफरेंस देखा जाएगा। तीसरा प्रेफरेंस आपने डाला है 10 नंबर पोस्ट। 10 नंबर पोस्ट क्या है? माइंस, LDC माइंस में, इसमें टोटल है 45 वैकेंसी, आपको ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अब देखा जाएगा कि इस 45 जो वैकेंसी है क्या इसमें कोई भी वैकेंसी जो है वो अवेलेबल है क्या, या फिर आपके पहले जो 411 कैंडिडेट थे जिनका रैंक आपसे अच्छा था क्या उनको तो अलॉट नहीं हो गया है? अगर इसमें एक भी वैकेंसी खाली होगा तो आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रिफ्रेंस जो है वो काम करता है। तो बिल्कुल ही आपको जो पोस्ट पहले चाहिए उसको आप प्रिफ्रेंस से पहले डालिए, ऐसा नहीं कि आप नंबर ऑफ पोस्ट देख के डाल रहे हो। बहुत सारे विद्यार्थी क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट देख के डालते हैं कि जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वह तो हाउस एंड अर्बन अफेयर्स में जो है, इसमें 256 पोस्ट है सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहले हम इसी को डालते हैं। अरे भाई, ये एक नंबर, ये जो पोस्ट है ये आपका टेक्निकल कैडर का पोस्ट है, बेसिकली ऑफिस मैनेजमेंट कैडर का ये पोस्ट है, ये आपको चाहिए ही नहीं, पर आपने 256 पोस्ट देखकर ये आपने प्रिफरेंस में 1 डाल दिया और आपका रैंक आ गया 2। मान लीजिए आपका रैंक 2 आ गया तो आपको यही वाला पोस्ट मिल जाएगा, पर आपको चाहिए था परिवहन विभाग वाला, क्योंकि परिवहन विभाग में नंबर ऑफ वैकेंसी कम था इसलिए आपने उसको बाद में डाला और इसको आपने पहले डाल दिया, तो आपके आपके रैंक के हिसाब से तो आपको यही मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको परिवहन विभाग के पोस्ट को पहले डालना चाहिए था, जो आपको पहले चाहिए उसको आप पहले डालें, बशर्ते आपको उसमें नहीं मिलेगा तो आपका अगला प्रीफ्रेंस देखा जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपको इसमें मिला ही नहीं 3 नंबर में तो आगे देखा ही नहीं जाएगा, बिल्कुल लास्ट तक जो है देखा जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन फाइनल हुआ है तो कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि टोटल 986 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा और इसी 986 में से इस पोस्ट का एलोकेशन होगा। तो जैसे जैसे जो जो लोग जो है प्रीफ्रेंस डाले होंगे उसी के हिसाब से उनको वो पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पोस्ट का एलोकेशन कैसे होता है ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब हमारे द्वारा जो कोर्सेज चलाया जा रहा है कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी में वो कैसे मदद करेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो कोर्स अभी चल रहा है वो JSSC LDC का कोर्स चल रहा है, JSSC CGL का कोर्स चल रहा है और एक्साइज कॉन्स्टेबल का कोर्स चल रहा है। ये 3 एग्ज़ाम के लिए हम लोगों के द्वारा कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा जो लैंग्वेज पेपर है खोटा नागपुरी, इसका भी कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, और साथ में इस एग्ज़ाम के लिए JSSC LDC के लिए जो कंप्यूटर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है एग्ज़ाम के लिए आपका, उसका भी कोर्स हमारा इंडिविजुअल जो है वो चल रहा है। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं? तो आप गूगल प्ले स्टोर से JSSC Education ऐप को डाउनलोड कर लें, इस तरह का कुछ लोगो आपको देखने को मिलेगा, और फिर वहाँ पर कोर्सेज में जाएंगे तो डिटेल आपको इस कोर्सेज का दिखाई देगा। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, डेमो क्लासेस भी आप देख लें और उसके बाद फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर आप डायल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कर लीजिए, या फिर इस नंबर पर आप डायल करके भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर विस्तार से दी जाएगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल कोर्सेज भी हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि मैथ स्पेशल, झारखंड GK का अगर आपको अलग से कोर्सेज चाहिए, रीजनिंग का अलग कोर्स चाहिए, सिर्फ रीजनिंग आपको पढ़ना है, या फिर जनरल साइंस पढ़ना है, या सामान्य अध्ययन का सिर्फ आपको क्लास लेना है स्पेसिफिकली फॉर JSSC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे CGL हो गया, या फिर आपका ये LDC हो गया, या फिर एक्साइज कॉन्स्टेबल होगा, इसी को ध्यान रखते हुए सारे कोर्स को डिज़ाइन किया गया है।
ऐसा नहीं है कि मैथ स्पेशल का क्लास लेते हैं तो इसमें आपको सेंट्रल SSC या फिर CSAT इन सभी या CAT इन सभी का मैथ नहीं बताया जाएगा। आपको JSSC, CGL, LDC, एक्साइज कॉन्स्टेबल इसी सब के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस पूरे सिलेबस को डिजाइन किया गया है। आप डेमो क्लास इसमें अवेलेबल है, आप देख लें, संतुष्ट हो जाए और फिर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैंने बताया कि आप गूगल प्ले स्टोर से JSSC एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर डायल करके आप पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा कुछ फ्री टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है, आप इसको भी अटेम्प्ट करके देखिए। ऑल झारखंड रैंक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मिनी मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मिनी मॉक टेस्ट चल रहा है। इसमें आपको पहले टॉपिक दे दिया जाता है और फिर उस पर बेस्ड जो है 60 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है। ये पूरा टेस्ट जो है वो ऐप के थ्रू लिया जा रहा है, तो ऐप को डाउनलोड कर लें। इस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, और साथ में JSSC प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है वो फ्री में जो है आपके यहाँ पर अवेलेबल है। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन भी बहुत ही नॉमिनल चार्जेज में अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको JSSC एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। और ये हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी तरह का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, कौन सा वीडियो कब आया, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल को भी शेयर किया जाता है, और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है हम इस टेलीग्राम ग्रुप पे जो है शेयर कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड से भी हमारे JSSC एजुकेशन चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कुछ भी डाउट और रह गए हैं तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर दें, हम उसका रिप्लाई बहुत ही जल्द आपको कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर अब एक नेक्स्ट वीडियो सेशन में।